बच्चों आज हम मर्चेंडाइजर की भूमिका तथा प्राथमिक उत्तरदायित्व या उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। मर्चेंडाइजर जो कार्य करता है या उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारियां होती हैं वही उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व या कार्य करने की भूमिका को हम 16 भागों में विभक्त कर रहे हैं। 16 तरह की जिम्मेदारियां इनकी बता रहे हैं। पहला, विक्रय प्रोग्राम बनाने का उत्तरदायित्व व विक्रय संगठन के समस्त कार्यों की क्रियात्मक दिशा निर्देश व रूपरेखा प्रस्तुत करना कि जो भी अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरे प्रोग्राम को ये बनाते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य कैसे कैसे किस किस समय करेगा, उसको लिखकर ये दिशा निर्देश जारी करने का कार्य मर्चेंडाइजर का होता है। ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है या हम कहें जिम्मेदारी होती है। दूसरा, प्रतिस्पर्धियों के संबंध में कंपनी के उत्पाद की ग्राहक स्वीकृति का अवलोकन करना कि हमारे उत्पाद के कंपटीटर कौन कौन हैं, उनके उत्पाद को कितना परसेंट स्वीकार किया जाता है और हमारे उत्पाद को कितना परसेंट स्वीकार किया जाता है, इसका अवलोकन करते हैं ये और उसके आधार पे ये आगे की योजना बनाते हैं। तीसरा, कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विक्रय गुणवत्ता और उत्पाद उपयोगिता के सापेक्ष संबंध में बिक्री अनुसंधान व निर्माण विभाग के बीच में समन्वय का कार्य करते हैं। चौथा, थोक और खुदरा दोनों ही स्तर पर उत्पादों व उत्पाद पंक्ति की योजना एवं विकास के लिए अंत तक जिम्मेदारी निभाते। थोक जो बड़े मात्रा में माल को खरीदते और बेचते हैं, मतलब सीधा फैक्ट्री से खरीदते हैं और रिटेलर को बेच देते हैं, वो तो थे थोक व्यापारी। और फुटकर व्यापारी वो होते हैं जो थोक व्यापारी से माल लेते हैं और कंज्यूमर को जो माल के अंतिम उपभोक्ता हैं उनको माल बेच देते हैं। उनका दोनों के स्तर पर उत्पाद पंक्ति की योजना, बच्चों यहाँ एक शब्द आ रहा है उत्पाद पंक्ति। उत्पाद पंक्ति क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गोदरेज का देती हूँ कि गोदरेज, देखो गोदरेज साबुन भी बनाती है, डियोज भी बनाती है, अलमारी भी बनाती है, ताले भी बनाती है और अन्य कई तरह के प्रोडक्ट वो बनाती है, अलमारी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें गोदरेज की प्रोडक्ट लाइन है। इसी तरह कंपनी क्या क्या चीज़ें बना रही हैं, यदि हम रेडीमेड गारमेंट में देखेंगे तो मैन वियर, वुमेन वियर, चिल्ड्रन वियर। चिल्ड्रन वियर में भी हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों का, उससे बड़े बच्चों का और बड़े बच्चों का, किसका वो उत्पादन अपने उत्पाद पंक्ति में इंक्लूड कर रही है, उसकी योजना बनाना और अंत तक उसके विकास का कार्य की जिम्मेदारी इन पर होती है। पांचवा, मर्चेंडाइजर द्वारा विकसित उत्पाद स्थिति की रणनीति की व्याख्या कर उत्पाद लाइनों और पंक्ति का विकास करना, यह एक व्यापक भावी योजना परिधान विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों पर विचार किया जाता है। हम कोई उत्पाद क्यों चुन रहे हैं, मर्चेंडाइजर इसकी पूरी रणनीति बनाता है कि ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, यहाँ मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी रणनीतियों में अपना प्रतियोगी फर्म
इस उत्पाद को इतनी सफलता से चला रहा है, इन सब चीजों के बारे में वो यहाँ पे रणनीति बना के व्याख्या करता है और फिर अपने उत्पाद को मार्केट में उतारने का दायित्व निभाता है। 6, तैयार वस्त्रों की लागत में कमी, सुधार हेतु उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव के प्रभावों का विश्लेषण करता है कि 7, ऐसे कारकों का विश्लेषण करना जो उत्पाद भिन्नता, विक्रय सामर्थ्य अर्थ गुणवत्ता, उत्पादकता और लाभों को बता सके। मीन्स उन उन पॉइंटों को लिख के ये अपने टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेटर होते हैं या कंपनी के संस्थापक होते हैं उनको ये बताते हैं कि हम ये भिन्न भिन्न उत्पाद क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे विक्रय की क्या क्या गुणवत्ता, क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका हमको कितना प्रोडक्शन करना है और इससे हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी। इन पर डिटेल विश्लेषण करके ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। नेक्स्ट, सामग्री एवं उत्पादन की विधियों में परिवर्तन होने पर उत्पादक मैनेजर के साथ समन्वय और सहयोग करता है। मान लीजिए कोई चीज़ हमने नए प्रोसेस से बना ली है, नई तकनीक से बनाई है, तो उसके लिए जो वहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर है उसको उस तकनीक के बारे में, उस चेंज के बारे में समय रहते ही बताते हैं, नहीं तो उत्पाद हमारा गलत बन सकता है, खराब हो सकता है। नेक्स्ट, अंतिम उत्पाद का निर्णय लेना और उत्पादन एवं विपणन के मध्य बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, मीन्स अंतिम उत्पाद हमारा कैसा होगा वो बताना मर्चेंडाइजर का कार्य होता है और उत्पादन जो प्रोडक्शन यूनिट है और जो मार्केटिंग यूनिट है उसके बीच उनके कार्यों को प्राथमिकता से निर्धारित करना कि पहले ये कार्य करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हम आगे इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। 10, फर्म के समग्र उद्देश्य से समझौता किए बिना कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पाद स्वीकृति, अस्वीकृति, उत्पाद संशोधन को स्वीकार करना व अस्वीकार करने का कार्य करना। कोई भी उत्पाद यदि हम बदलना चाह रहे हैं या कोई भी उत्पाद हमारा मार्केट में नहीं बिक रहा है तो उत्पाद की अस्वीकृति हो गई। ऐसी दिशा में वो ये रिसर्च करता है कि इसमें हम क्या चेंज करें कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट भी ना चेंज हो, थोड़े से ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए लेकिन हमारे उत्पाद की स्वीकृति का मतलब संशोधन करने के बाद हम उसको मार्केट में बेच पाए। कई बार हम उत्पाद में कोई नहीं चेंज करते, उसके एडवर्टाइजमेंट में ही चेंज कर देते हैं और उत्पाद मार्केट में चल निकलता है। कई बार हम उत्पाद की पैकिंग में ही चेंज करते हैं और उत्पाद चल निकलता है। कई बार हम उत्पाद के कलर में, साइज में थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। कई बार हम थोड़ा कंटेंट्स में भी चेंज कर उसको नए रूप में पैकिंग करके मार्केट में डाल के अपने उत्पाद को चला देते हैं। तो इन सब के बारे में मर्चेंडाइजर को कार्य करना पड़ता है। 11, लागत को कम करने के लिए संशोधन की आवश्यकता को अपनाना, मीन्स मॉडिफिकेशन को अपनाना, कई कार्य ठेकेदारों से करवाना अर्थात अपना जॉब वर्क पे कार्य दे देना। जैसे कि आप सब स्केल्टन सिल के आओगे, एम्ब्रॉयडरी हम अपने कंपनी में ना करके बाहर ठेकेदार को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दे दें। उत्पाद की गुणवत्ता को अपग्रेड और डाउनग्रेड करना भी का भी कार्य है वो कई बार करता है। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब हम उस क्वालिटी को नहीं दे पा रहे तो हमें अपने प्रतियोगी फर्मों की क्वालिटी को ध्यान में रख के अपने उत्पाद को थोड़ा लो ग्रेड कर भी कई बार मार्केट में चलाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अपना शेयर बनाए रखने के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी मर्चेंडाइजर को अपनानी पड़ती है। 12, इंडस्ट्री के ट्रेंड, स्टाइल और ग्राहक
के मौजूदा रुझानों पर क्षेत्रीय कॉल, पत्र व्यवहार, टेलीफोन के माध्यम से क्षेत्र के विक्रय संगठनों, संगठन कार्मिकों और ग्राहकों के साथ कार्य करना। इसके लिए मर्चेंडाइजर को कम से कम 20% फील्ड वर्क करना चाहिए, जब ही उसे मालूम पड़ेगा कि इंडस्ट्री, जैसे आजकल हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपने गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो लॉकडाउन के बाद आजकल सभी लोग क्योंकि वर्क एट होम कर रहे हैं तो वो फिटिंग के कपड़े नहीं चाह रहे, ब्रांडेड कपड़े भी नहीं चाह रहे। आजकल सभी लोग ढीले ढाले, जो इजी रहे घर में रह के, जिन पे आसानी से काम किया जा सके, ऐसे कपड़े चाह रहे। तो आज ग्राहक मार्केट का रुझान तय कर रहा है कि उसे जो चाहिए वो मार्केट में मिलता है तो वो खरीद रहा है, बाकी वो ब्रांडेड कपड़ों की ओर नहीं भाग रहा। तो बड़ी बड़ी ब्रांडेड भी, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर भी उन चीज़ों को डिजाइन कर रहे हैं जो घर पे रहने वाले वर्कर हैं, घर पे रहने वाले पेशेवर व्यक्ति हैं, उन्हें पहन के आसानी से वर्क एट होम कार्य को कर सकें। 13, उत्पादन साहित्य मैनुअल तैयार करना। वे उत्पाद बेचने के लिए विक्रय तकनीकों, उपकरणों का विकास के परिवेक्षण का कार्य करना, अर्थात वो सुपरवाइज करता है कि अपने उत्पाद को कैसे बेचे, उसके लिए नए नए टूल विकसित करता है, नई नई विधियां खोजता है, कैसे एडवर्टाइज करूं, कैसे सेल्स प्रमोशन करूं, कैसे मैनुअल तैयार करूं, मीन्स बुकलेट कैसे तैयार करूं, उसका साहित्य कैसे तैयार करूं, जिससे लोग उसके प्रोडक्ट को की ओर आकर्षित हों और उसे खरीदें। 15, वर्तमान उत्पाद पंक्ति के नए उत्पाद को जोड़ने या संशोधन करने या कुछ उत्पादों को ख़त्म करने के बारे में उत्पाद प्रबंधकों को सलाह भी देता है। ये बताता है कि मार्केट, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा बंदा होता है, इसका रोल मार्केट में बहुत अधिक होता है, ये वही चीज़ बनवाता है जो मार्केट की आवश्यकता, जो ग्राहक की आवश्यकता होती है। तो ये अपने टॉप लेवल पे ये कहता है कि इस उत्पाद को ख़त्म कर दो, इसको जोड़ दो, उत्पाद में ये विशेषता जोड़ दो, ये हटा दो, ये सारी चीज़ें करता है। 15, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राहकों से प्राप्त उत्पाद शिकायतों के सुनना, उनकी समीक्षा करना और उस पर उचित कार्यवाही भी ये करता है। और लास्ट, जिस पर इसकी आंख हमेशा लगी रहती है, अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में ये सतत, मीन्स निरंतर ये सूचनाएं एकत्रित करता रहता है, जैसे उत्पाद सूचना, उत्पादन के बारे में सूचना, उत्पाद भिन्नताएं, कौन कौन सा उत्पाद वो निकाल रहे हैं, उनमें क्या क्या हमारे उत्पाद से भिन्नताएं, उनके बारे में, उत्पाद की विशेषताएं, मूल्य, उन पर दी जाने वाली छूट, विक्रय की शर्तें, कि खरीद नगद कर रहा है, उधार कर रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रहा है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ये सब विक्रय की शर्तें, उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, उसके क्या प्रोग्राम्स हैं, वो कौन कौन से वितरण माध्यम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अपना रहा है, उसके आउटलेट्स कैसे हैं, उन आउटलेट्स की उसने कैसे विजुअल मर्चेंडाइजिंग की है, कैसे दृश्य मर्चेंडाइजिंग की है, कैसे सजाया है, क्या किया है, उपभोक्ता उसके माल को कितनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इन सब बातों के बारे में वो सूचनाएं प्राप्त करता है। ये आपका एक टॉपिक मैंने आज और ख़त्म कर दिया है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है।